फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो ये इनिशिएटिव लेके, बहुत मतलब ऐसा आइडिया आपको कैसा आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आ रहे हैं यहाँ पे दुकान में।
सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो ये इनिशिएटिव लेके, बहुत मतलब ऐसा आइडिया आपको कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आया यहाँ पे दुकान में। ये आइडिया इसलिए आया कि हम लोग बचपन से जब यहाँ पे अंडमान में जब बड़े हुए हैं तो अंडमान में हम लोग पुराना यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल चीज़ बहुत हम लोग देते हैं, जैसे निकोबरी चटाई हो गया, आपका हुडीज हो गया, बास्केट्स हो गया, और वो सब चीज़ का भी थोड़ा कमी था। और उसके अलावा जो है मेरी जो वाइफ है ये बेसिकली उनका आइडिया था, शी इज़ अ डिज़ाइनर फ्रॉम NIFT, उन्होंने कपड़े और लेदर के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सारे वो खुद डिज़ाइन करते हैं। तो शी वॉन्टेड टू ओपन अ बुटीक, तो उसके साथ हमने सोचा कि कपड़े और लेदर तो रहेगा ही बट क्यों ना हम लोकल हैंडीक्राफ्ट और लोकल जो क्राफ्ट्समैन उनको हम थोड़ा प्रमोशन करें। यहाँ पे जो आर्ट हो गया, पेंटिंग्स हो गया, यहाँ के कितने जो टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स, उसको हम बाहर ले करने की कोशिश करें। एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है और अगर अच्छा रहा तो भगवान के दया से तो फ्यूचर में हम सोच रहे कि हैवलॉक में एक खोल देंगे। अच्छा, और कोटेर नया टर्मिनल में हमारा कोशिश है एक छोटा सा वहाँ। और अभी हम लोग अगले हफ्ते से ऑनलाइन जा रहे हैं, हमारा वेबसाइट है www.ramalon.in। और इसमें जो है अगर कोई भी बंदा दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई कहीं से बैठ के हमारा प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन में डिलीवरी आप देंगे? जी ऑनलाइन, हम यहाँ से शिपमेंट। ओके ओके सर, अभी एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है सर, अभी जैसा कि जैसे इंटरलाइन में बहुत सारा जना है कि जो हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं, जो इंटरेस्ट आर्टिस्ट है उन लोग आके बना रहे हैं, तो आके प्रोडक्ट्स आप जाके सेल कर सकते हैं? जी कोई भी अगर, या फिर आप लोग आके फिर वहाँ से बाई करते हैं कैसा? अभी हमारे पास फिलहाल क्राफ्ट्समैन डिग्लीपुर से है, साउथ अंडमान से है, बकुलतला से है, निकोबार से है, कैंपल बे, नमकोरी, सब जगह से हैं थोड़े थोड़े, कोटबेर से भी बहुत है आपका, फिर हैदराबाद से है, कोड़ियाघाट से है। तो अभी भी हम फ्यूचर में और हमारा जो क्रिएटिव टीम है बैठ के सोचते हैं कि और हम लोग क्या नया कर सकते हैं। अगर हम लोग बेसिकली अब जैसे बहुत सारे बैम्बू के बास्केट्स यहाँ पे पहले जो बनते थे, हमने थोड़ा उसको मॉडर्न इनिशिएटिव लेके मॉडर्न लुक दिया, तो हम लोग उनको बताते हैं कि हमें ऐसा बना के दीजिए। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट्स हम लोग देते हैं और लोग जैसा यानी कि कस्टमर डिज़ाइन भी आपको समझ बना के मिल जाएगा। ओके सर, और बेसिकली ये जो रामलोन वर्ड है ये भी लोकल वर्ड है। अच्छा, निकोबारी लैंग्वेज में रामलोन मतलब गुड विशेस। अच्छा, तो गुड विशेस के साथ हमने ये बुटीक स्टोर शुरू किया। ओके ओके, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मतलब और भी हमारे जितने भी आइलैंडर्स हैं सब लोग आए इस जगह को दुकान में। अगर आप जो भी सामान लेंगे, अभी तो 80% यहाँ के सामान है, 80% कैलकटा से है, और यहाँ में जितने भी सामान यहाँ के हैं सब यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक सस्टेनेबल इनकम उनको भी मिलेगा। हम लोग बेसिकली थोड़ा मार्जिन रखते हैं, प्रोडक्ट्स है सभी जो यूनिक ही दिख रहा है, यूनिक। हमारा जो क्रिएटिव टीम जैसा आप देखा होगा बाद में दिखा सकते हैं, सिल्वर जेल और क्लॉक टावर का मॉडल बनाया है। हाँ हाँ, फ्यूचर में हम निकोबारी बोडी, फिर आपका 1943 जो फ्लैग पॉइंट है वो सब भी उनका भी मिनिएचर वर्जन हम बना रहे हैं। ओके ओके, जैसे ये जो है रैप अराउंड स्कर्ट है, निकोबारी लुंगी जो होती है जो लेडीज जो पहनते हैं, इसको हीला भी बोलते हैं निकोबारी लैंग्वेज में। तो इसको हमने थोड़ा मॉडर्न टच एक यहाँ का रैप अराउंड टाइप कर दिया है, और इसमें जो है जो कपड़े जो बच जाते हैं उसको हम लोग फेंकते नहीं, बेसिकली उसको हम लोग रिसाइकल करके उस सब लोग स्कार्फ्स बनाते हैं, स्टोल्स हो गया, शॉल्स हो गया। ओके, और जितने भी जो लोकल आर्ट है ये सारा जो यहाँ के बच्चे द्वारा, यहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हो गए या तो लोकल बोर्डर के जो जितने भी आइलैंडर्स हैं वो लोग ये सारे बनाते हैं। ये माया बंदर का क्रेन का हैंडीक्राफ्ट है। अच्छा, ये सब भी अभी ये उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि लार्ज बल्क में ये ले सके। अच्छा, तो ये सब थोड़ा बहुत अभी इनिशिएटिव हमने किया कि अंडमान का एक कल्चर को यहाँ पे आपको वो मिलेगा, जैसे यहाँ का लोकल साबुन है, लोकल ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, पेडॉक का फर्नीचर है, सब चीज़ हमने थोड़ा थोड़ा एक अंडर वन रूफ